जैसे यूएस डॉलर पूरी दुनिया के अंदर चलता है और पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क के अंदर उसको बड़ी इज्जत और एहतराम से लिया जाता है और दिया जाता है। और पूरी दुनिया की अगर सबसे मजबूत करेंसी अगर कोई है तो वो है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया काफी कमजोर है, एक यूएस डॉलर में करीब 82 रुपए आ जाते हैं। लेकिन अब भारत ने ऊंची उड़ान भरने की तैयारी शुरू कर दी और अब भारतीय रुपया भी इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रहा है, बन जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है रशिया और श्रीलंका से और ये सब हमारे हिंदुस्तान के बेहतर फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। क्या बात है सर। लेकिन यहीं पे हमारे पास है एक नजर बट्टू, वो है पाकिस्तान। दहशतगर्दी को रोकना है या फिर से इसका निशाना बनना है, मुल्क के काबिल जहीन मेहनती नौजवानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना है या फिर इनकी सलाहियतों का सही से इस्तेमाल करना है, ये सब फैसले हमें आज करने हैं। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, अच्छा, मगर हमारे इस मुल्क की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो भूखे नंगे कंगलों की तरह हो चुकी है, पता नहीं कब ढह जाए। फॉरेन रिजर्व के नाम पे इनके पास में 6-7 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, वो भी मांगे तांगे, थोड़े इधर से कल्ला है थोड़े से उधर से कल्ला है। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी कंपेयर करेंगे हिंदुस्तान को पाकिस्तान से। बड़ी बदकिस्मती से मैं कहना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त कंगाल हो चुके हैं, इवन पेंशन देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। हाय हाय, इतना सुकून। अब IMF हमसे ये मजीद डिमांड कर रहा है कि वो 65 अरब रुपए भी आपने अगले 2 माह में वसूल करने हैं जो कि आपने छोड़ दिए थे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों में। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो 65 अरब रुपए भी अवाम के ऊपर डालेंगे तो अब अवाम का क्या हाल रहेगा, जो कि पहले ही हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। ऐसे में भारत का रुपया भी इंटरनेशनल करेंसी के रूप में चलने लग जाए तो फिर ये पाकिस्तानी कहाँ पीछे रह सकते हैं भाई साहब। तो पत्रकार महाशय निकल गए पब्लिक के बीच में ये जानने के लिए कि भारत इतना आगे जा रहा है और हम तो बस वहीं के वहीं अटके हुए हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। समझाने की और समझने की कोशिश में हम भी पाकिस्तान चलते हैं, हमने भी धर लिया इन लोगों को, तो चलते हैं पाकिस्तान। चल, पिछले 7-8 महीनों में 8 लाख मेरी उम्र के पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं। मगर क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मायूस हो चुके हैं। इस वक्त लोग पाकिस्तान को छोड़कर बिजनेसमैन जा रहे हैं, ये वो वक्त आ गया जिस जब पाकिस्तान से सब टेक्सटाइल जो है बांग्लादेश मूव कर गई थी। और आपको ये बात पे फख्र है कि हमने जी हिंदुस्तान की बड़ी लूट मार की। अरे जिनको उठा के बेचा तुमने, आज दुनिया डिटरमिन कर रही है कि इंडिया क्या है और बाकी दुनिया क्या है। लोगों के पास यहाँ पे रोटी खाने के पैसे नहीं है, इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं, डॉलर इतना ज्यादा पाकिस्तान में महंगा हो चुका है, इवन डॉलर मिलते नहीं है पाकिस्तान में। डॉलर की प्राइस को छोड़े डॉलर मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। लोगों ने अपने बच्चों की फीसें भेजनी है, मार्केट में डॉलर नहीं है। LC खोलनी है, डॉलर नहीं है। ये तो मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है, यानी शर्म से डूब के मरने की है। कि 9 महीनों में पाकिस्तान के साथ जो हुआ है हम यहाँ पे बैठ के रोते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ MPhil का। MPhil के स्टूडेंट हैं? कौन से डिपार्टमेंट में को क्या? मैं MPhil जूलॉजी कर रहा हूँ GC यूनिवर्सिटी से। GC यूनिवर्सिटी से MPhil जूलॉजी। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, अब वो इंडिया की करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करने जा रहा है। इवन रशिया की बात करें, यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है जिसकी वजह से रशिया पर सैंक्शंस है, इस वजह से रशिया भी अब इंडिया की करेंसी यूज करने जा रहा है। जो पाकिस्तान की कंडीशन है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता है, पाकिस्तान किसकी करेंसी यूज करेगा? या तो पाकिस्तान UAE की करेगा या चाइना की, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा जो चांसेस हैं वो चाइना के हैं, क्योंकि चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं हमारे और फिर जो CPEC है, तो उस वे में मुझे ये लग रहा है कि चाइना की जो है वो करेंसी यूज होगी। इसका जवाब तो हर पाकिस्तानी यही देगा, क्योंकि चाइना इनके मुंह बोले पप्पा है और चाइना की तरफदारी करना इनका हक बनता है भाई, क्योंकि उनका नमक खाते ही है। लेकिन पाकिस्तान के हालात डिफॉल्टर होने से पहले ही डिफॉल्टरों वाले हालात हैं। अब देखें लास्ट डेज, पता नहीं जो एक रिपोर्ट शाया हुआ एयरवाई न्यूज़ पे, तो उसके ऊपर ये था कि कोई
लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। लाखों 7.5 लाख पिछले साल, ये जो साल गुजरा है, 7.5 लाख स्टूडेंट्स पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। और ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, लोग बैंकों से पैसे निकलवाने लग पड़े हैं, आपको नॉलेज हो। 7.5 लाख जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं वो सारे स्टूडेंट नहीं है, कुछ स्टूडेंट है उनके अंदर बस। बिल्कुल ऐसे ही है, अब किसी को भी ना एक ट्रस्ट नहीं रहा कि कोई ट्रस्ट नहीं रहा कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद लें या पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें। जो बाहर के जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो भी जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की थी वो उठा रहे हैं। तो उस वजह से एक तो डबल नुकसान हो रहा है और बैंकरप्सी हो रही है। तो इसके साथ ये भी है कि अब देखें ना, स्टूडेंट्स ही पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो जा रहे हैं, और लाखों की तादाद में, ये भी नहीं कि कोई हज़ारों की तादाद में, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, इंडिया की अगर बात करें, 1947 में जिस स्टेज पे वो थे, हम भी ऑलमोस्ट उसी स्टेज पे थे, मतलब हम भी उनकी तरह ग्रो कर सकते थे। आज जिस स्टेज पे वो हैं, हम भी शायद इससे आगे हो सकते थे, क्यों नहीं हम उस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सके। सेकेंडली, इंडिया अगर श्रीलंका पे मुश्किल टाइम आया तो इंडिया ने साथ दिया, इसके बाद रशिया पे मुश्किल टाइम आया, उन पे सैंक्शन लगी तो इंडिया ने साथ दिया, क्या इंडिया हमारा भी साथ देता अगर हम उसके साथ अच्छे तरीके से चल रहे होते। और अफगानिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं, अफगानिस्तान में जो तुमने गंद मचा रखी है और पूरे अफगानिस्तान को तेज नेस कर दिया, वहाँ पर भी भारत ही मदद पहुँचा रहा है। देखिए, जो इंडिया का केस है ना, इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग है यार, वो बहुत अच्छी है। वो इस वे में है कि वो ना अपनी पॉलिसी को ना जदीद बेसिस पे बना रहे हैं, आईटी को फरोग दे रहे हैं और इंडस्ट्रीज को फरोग दे रहे हैं, और विजन है भाई। देखो, जो करप्शन है ना, वो हर जगह है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन देखें वो फिर भी तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ यही वजह है कि जो उनकी पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है ना, वो आज से 50 साल पहले वाली पॉलिसीज को लेकर अभी तक चल रहे हैं। अब क्रिप्टो का दौर है, अब बाइनेंस का दौर, डिजिटल करेंसी का दौर है, लेकिन देखें पाकिस्तान में क्या है। अब एक फ्रीलांसर को पाकिस्तान में ना आज़ादी नहीं है, उसके पैसे कटते हैं, तनख्वाह कट जाती है उसकी। हम भी फ्रीलांसर हैं, हमें इसे हमारे से ज्यादा इस चीज़ का आइडिया किसको होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़नी जाएगी जब, जैसे आप देखें, बड़ा रशिया एक बड़ा कंट्री है, वो अगर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन रुपये यूज करेगा तो इंडिया की करेंसी कितनी बढ़ जाएगी वैल्यू। कोई भी मुल्क जो होता है ना, वो अपनी करेंसी किसी को ऐसे नहीं दे देता। अगर इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद यह है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं, तो उसका जाहिर सी बात है, आज से 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद उसको फायदा होगा, और नहीं तो क्या। और आप लोगों के जो भी विचार हो, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए भर दीजिए भैया। और हाँ, इमरान खान के रंगारंग प्रोग्राम वाले वीडियो नहीं देखे तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों देखिए और एंजॉय कीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।